स्मूथिंग ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, बाल पतले हैं काफी, कलर वाले हैं, तो मैंने स्ट्रॉन्ग ही क्रीम यूज किया, बट मैं गीले वालों में लगा रहा हूँ, वेट हेयर में लगा रहा हूँ। एप्लीकेशन पे मेरा फास्ट होना चाहिए, मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर मेरा एप्लीकेशन खत्म होना चाहिए। रूट्स पर नहीं लगाते हम लोग फर्स्ट, जब स्ट्रेटनिंग करेंगे। और सेम जैसे हम लोग कलर एप्लीकेशन करते हैं, बस हम लोग को क्या करना है, जो कल मैंने बताया था, रब नहीं करना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। कोम क्या, कितना इजी हो रहा है, और ये एकदम फैल जाता है, और गीले वालों में कर रहा हूँ तो और ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। ओके, जस्ट लेना है और छोड़ते जाना है, इसमें ज्यादा कोम करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आप कोम करोगे तो प्रोडक्ट जो है आपका स्कैल्प में जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट क्रीम जो है हम लोग हमेशा स्कैल्प छोड़ के लगाते हैं, सेकेंड क्रीम जो है मैंने न्यूट्रलाइजर ना वो स्कैल्प के साथ लगाते, तो उसमें आप हम लोग को कोम करके अच्छे से चिपका देना। तो फर्स्ट क्रीम हमारा बॉन्ड्स ब्रेक करती है, कौन सा बॉन्ड्स ब्रेक करती है, सल्फर बॉन्ड, और सेकेंड क्रीम क्या करेगा, सल्फर बॉन्ड को फिक्स करेगा। या अगर कोम करना है तो जस्ट ऊपर से, ऐसे फ्लैट नहीं करना, फ्लैट करेंगे तो लगेगा, तो जस्ट स्ट्रेट कोम, ऐसे चिपकाना नहीं। और नॉर्मल में सेक्शन लिया मैंने, बहुत पतले सेक्शन में ले रहा हूँ, ये पतले है इसके लिए गीले में किया ना, वरना तो पतले नहीं, कलर बाल है, और प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग। मेरे पास स्ट्रेटनिंग के अंदर, स्मूथनिंग के अंदर दो प्रोडक्ट होते हैं, माइल्ड, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है माइल्ड, ठीक है। तो कलर वालों में नॉर्मली माइल्ड लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं लगाते क्योंकि उसका थोड़ा प्रोसीजर स्लो रहता है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है मेरे पास, तो इसलिए मैं गीले वालों में कर रहा हूँ। गीले में करेंगे तो थोड़ा सा आपका वो प्रोडक्ट थोड़ा माइल्ड हो जाता है, पर इतना भी नहीं, माइल्ड नहीं होता है, थोड़ा हो जाएगा तो आपका प्रोसीजर फटाफट खत्म होना चाहिए। मतलब स्मूथनिंग का, स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, 1 घंटे तक आप उसको एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो बहुत सारे रीज़न रहते हैं तो स्ट्रेटनिंग में बाल डैमेज होने के, तो एक ये भी चांस है कि अगर आपने बहुत स्लो किया तो गड़बड़ होएगा, बिकॉज केमिकल बेस है, कैरेटिन नहीं है कि आप स्लो स्लो करोगे तो भी चल जाएगा। तो कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने, जो हमारे बाल खराब नहीं, मैंने बताया था आप लोग को, फर्स्ट स्कैल्प छोड़ के लगाएंगे कि ध्यान रखना है। सेकेंड, जब आप वॉश करोगे प्रोडक्ट अच्छे से निकलना चाहिए, प्रोडक्ट रहना नहीं चाहिए। थर्ड, उसके बाद आयनिंग वाला स्टेप है कि आपको आयनिंग का हीट कितना होना चाहिए, तो सब बालों में अलग अलग हीट होगा टेक्सचर के हिसाब से। और लास्ट का पॉइंट न्यूट्रलाइजर, इसको 10 मिनट से ज़्यादा मिलता है, वो सारे हेयर में सेम ही टाइमिंग है। फर्स्ट क्रीम का टाइमिंग हमें हमेशा चेंज होगा, हमारा कलर वालों के लिए अलग रहेगा, वर्जिन वालों के लिए अलग रहेगा, पर न्यूट्रलाइजर का टाइम सबका सेम। ठीक है, मैं कोम कर रहा हूँ, बट बहुत चिपका नहीं रहा, स्मूथनिंग भी बोलते हैं, रिलैक्सिंग बोलते हैं, स्ट्रेट थेरेपी बोलते हैं, और अभी जो न्यू है कैरास्मूथ, तो कैरास्मूथ थोड़ा डिफरेंट है, बाकी प्रोसीजर सब सेम है। डिफरेंट मीन्स कि उसके अंदर हम लोग ट्रीटमेंट ऐड करेंगे, बाकी में ट्रीटमेंट ऐड नहीं करेंगे,
जस्ट कंपनी ने अलग अलग नेम दिए हुए, जैसे वेला साहब करोगे तो वो पहले रिबॉन्डिंग बोलता था, अभी स्ट्रेट इनिट बोलता है। लॉयल का प्रोडक्ट आप लोगे तो उसमें स्मूथनिंग क्रीम लिखा होगा, श्वास का आप लोगे उस पर रिलैक्सिंग क्रीम लिखा होगा, बट सेम स्ट्रेटनिंग ही है। बट आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है दो में से, ज़्यादातर सब क्रीम के अंदर दो प्रोडक्ट है, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड, तो किस में स्ट्रॉन्ग लेना है किस में माइल्ड लेना है वो खाली देखना है, बाकी प्रोसीजर सब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। बहुत पहली बार रहेगा तो इसको स्कैल्प के थोड़ा क्लोज जाना है, बहुत मेरे पतले वाले तो मैं एकदम थोड़ा छोड़ भी रहा हूँ, इसके कर्ली बाल होगा थोड़ा और आगे जा सकते हो, बस स्कैल्प नहीं जाना चाहिए। कर्ली बाल में अगर ज़्यादा आपने छोड़ दिया तो ऊपर का आपका गैप आ जाएगा, वो कर्ली दिखेगा, तो बहुत कर्ल है तो क्लोज जाएंगे बट अंदर नहीं जाएंगे खाली स्कैल्प के। देखो पीछे का मेरा पैर सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है, मतलब 70-80% वाले इधर ही रहते हैं, ये आपका खत्म हो गया मतलब ऑलमोस्ट आपका 70% का एप्लीकेशन खत्म हो गया। ठीक है, एक बार को लगाया, मैम के बालों में डाई भी है, कलर भी है, सब ये केमिकल, तो अच्छे से आप करेंगे प्रोसीजर तो फिर अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो अगर आपने प्रोसीजर स्लो किया, आई नहीं हीट सही नहीं रहेगा तब स्लो रहो, गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं, होल्ड करना होता है। कॉम करना है तो स्ट्रेट एक बार कॉम कर दो, बीच में थोड़ा गैप आ रहा था कवर हो गया, साइड में जैसे एनिमल वगैरह यहाँ पे चिपका सकते हो बिकॉज यहाँ पे कपड़ा है कवर है, यहाँ पे ज्यादा नहीं प्रेस करना। ठीक है, पीछे का मेरा डन हो गया, साइड वाला सेक्शन। अब इसके अंदर मुझे चार सेक्शन में काम करना है, जब मैं एप्लीकेशन करूंगा स्मूथनिंग का, ट्रीटमेंट का करूंगा तो तीन सेक्शन मतलब पीछे का सेक्शन, साइड का, स्मूथनिंग कर रहे हैं तो एक बॉक्स सेक्शन करेंगे और उसको पीछे ले लेंगे, उसका मतलब क्या होता है बॉक्स वाला जो पार्ट है उसको आपने बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं किया, अगर किसी को पतले है और आपने साइड से ही उसको एप्लीकेशन कर दिया और आयनिंग भी सेंटर पार्टिंग लेके कर दिया तो फिर क्या हो जाता है सेंटर पार्टिंग फिक्स होने के चांसेस है, मतलब क्लाइंट साइड में रखेगा तो फिर वो साइड में जाएगा नहीं, क्योंकि आपने पूरा खींच खींच के इधर ही फ्लैट कर दिया और इधर ही आयनिंग कर दी। तो बॉक्स सेक्शन एप्लीकेशन लास्ट में करेंगे और आयनिंग में जब आप करोगे पहले सेंटर लेके करो, बाद में फिर बॉक्स सेक्शन से उसको कवर कर दो, उसमें क्या आएगा कि आपका जो बीच वाला बाल है वो नेचुरल हो जाएगा, मतलब क्लाइंट किधर भी चाहिए सेंटर में करना है साइड में करना है किधर भी करना है कर सकता है। अब इसमें आपको और थोड़ा नेचुरल लुक देना, देखो आगे के बाल मेरे कितने कम है फ्लैट है, ठीक है साइड में नहीं करना चाहते मत करो, तो हम लोग क्या करेंगे वर्टिकल सेक्शन और हम लोग पूरा सब बालों को पीछे लेते हैं, साइड में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं बिकॉज मेरे बाल बहुत हैवी नहीं है, तो एक आगे से हम लोग एक नेचुरल लुक देखेंगे, बाउंस ही अच्छा आएगा। और नेचुरल करने के लिए क्या कर सकते हैं आयनिंग कैसे करेंगे हम लोग 90 डिग्री का फ्लैट करना है 0 डिग्री, तो आपका जो लुक है वो नेचुरल एकदम वो चाइनीज पोकी स्ट्रेट नहीं होएगा फ्लैट एकदम, तो किसी को भी एकदम स्ट्रेट नहीं चाहिए रहता, सब क्लाइंट बोलते हैं कि थोड़ा नेचुरल लुक चाहिए, तो नेचुरल मतलब कैसे कर सकते हो आप एप्लीकेशन के टाइम पे ध्यान रखो कि सारे साइड सेंटर कटिंग से मत करो और आइनिंग के टाइम पे एकदम दबा दबा के जीरो पे मत फ्लैट करो, कैल्प बचा के। स्कैल्प में नहीं जा रहे हैं, थोड़े बहुत बाल रहेंगे आपके हाथ में लगेगा क्रीम तो मर्जी करो बैठ जाएगा, वो कुछ बेबी हेयर्स है आगे से कुछ छोटे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मत लगाओ, स्कैल्प में जाएगा।
ठीक है, सेम अपोजिट साइड, सीधा सेक्शन, दो सेक्शन मेरा आगे खत्म हो गया। किसी का थोड़ा डेंसिटी है तो तीन कर लो, चार कर लो। तो मैंने कुछ भी आगे नहीं किया, क्यों नहीं किया? रीजन, मुझे थोड़ा नेचुरल लुक देना है आगे से, एकदम फ्लैट नहीं करना, इसके लिए मैंने सारा सेक्शन पीछे किया। अदरवाइज किसी का कर्ली हैवी बाल है तो ये वाला पार्ट नीचे जाएगा और बॉक्स वाला पार्ट पीछे चला जाएगा। आइनिंग के टाइम पे सेम सेंटर पार्टिंग से पूरा, और उसके बाद में लास्ट में बॉक्स जो हम लोग करते हैं, बॉक्स सेक्शन जरूर करना है, वो सब में करना है। पहले पूरा सेंटर पार्टिंग से लेंगे और फिर बॉक्स, ठीक है? जैसे आगे चला गया आपका हाथ नहीं जा रहा, तो पहले फिंगर से मर्ज करो, पीछे। क्राउन वाला पार्ट करेंगे, बॉक्स वाला, चेयर का हाइट नीचे कर दो, आईनी भी करोगे तभी भी नीचे कर दो, आपका 90 डिग्री अच्छे से आता है। और टाइम नोट कर लो, लास्ट सेक्शन है, 10 मिनट। क्या 10 मिनट हो? नहीं नहीं, अभी मेरा फिनिश हो रहा है ना, हम लोग हमेशा टाइम कब काउंट करेंगे फिनिश होने के बाद। तो मेरा फिनिश होने वाला लास्ट सेक्शन है, तो अभी मैं कितने बजे फिनिश कर रहा हूँ उसके हिसाब से फिर हम लोग चेकिंग करेंगे। तो कदर वालों के ऊपर हमारा चेकिंग कितना है, 10 to 15 मिनट्स ना, तो 10 मिनट में हम लोग चेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मेरा एप्लीकेशन में कितना टाइम लगा? 10 मिनट, वही बोला मैं, और भी फास्ट कर सकता था, मैं बात कर रहा था आप लोग को, थोड़ा सा बता रहा था, इसलिए समझ लो लग गया, मतलब 10-15 मिनट में खत्म होना चाहिए। तो उसमें कैसे रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत फास्ट करना है, आपको लगा कि मैंने बहुत फास्ट किया? नॉर्मल प्रोसीजर से ही कर रहा था, आपको ऐसा समझ में आ जाएगा फिर बहुत फास्ट होएगा काम, एक बार हाथ जमेंगे ना आपको पता है कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे हो आपका सेक्शन निकालना ईजी हो गया, ईजी हो जाता है। 10 की जगह पर 20 मिनट ले लो, यानी कि 1 घंटा आप एप्लीकेशन कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा बहुत हो गया था, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन में टाइम नहीं लेना। बिकॉज मैंने क्या बताया, केमिकल है तो वो अपना काम इसको अपना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो एप्लीकेशन मेरा डन हो गया, फ्रंट पे मैंने कुछ भी नहीं लिया, साइड के बाल भी पीछे लिए, बॉक्स एक्शन में लोगों ने पूरा पीछे किया, बिकॉज हम लोग को यहाँ फ्रंट पे थोड़ा बाउंसी लुक चाहिए। इसके बाद 10 मिनट्स के बाद हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, ओके? तो 10 मिनट्स हुआ है अभी एप्लीकेशन करके हमारा, ऑलमोस्ट मेरा बैक साइड से हम लोगों ने चेक किया, हो गया। तो चेकिंग करने का तरीका क्या है, आप बाल लोगे 2 से 3 बाल, जहाँ पे आपने ख़त्म किया वहाँ पे भी ले लो, बैक साइड में भी ले लो, क्योंकि ऑलरेडी कलर बाल है, थोड़ा सा बॉन्ड्स जल्दी हमारा ब्रेक होगा, तो कलर बालों में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है वॉशिंग के लिए। वर्जिन बालों में फिर भी आप लगा दोगे चलेगा, आप आधा घंटा छोड़ सकते हो वर्जिन बालों में लगा के, बिना टेंशन के आप एप्लीकेशन किया आधा घंटा छोड़ सकते हो जाएगा, चलता है। मेहंदी बाल है 40 मिनट भी छोड़ सकते हो, बट कलर बालों में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? बाल लेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे, कलर बालों ये देखो 10 to 15 मिनट्स
और प्रोडक्ट भी रहेगा माइल्ड, स्ट्रॉन्ग नहीं। ठीक है, ये देखो मैंने लिया और मेरा अभी कर्ल्स बनना स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा एस शेप चेक करना है, मेरा ऐसे एस शेप आना चाहिए। तो देखो एस शेप आना स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा बाल अभी वापस नहीं जा रहा है, तो मतलब मेरा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है। और ये इस पार्ट मेरा सबसे फर्स्ट था जहाँ पे मैंने खत्म किया था, तो ऑलमोस्ट आप पीछे वाला चेक करेंगे तो पीछे का तो हो ही चुका होगा, बिकॉज ये हम लोगों ने पहले लगाया और क्रीम भी पहले बहुत ज्यादा क्रीम लग रहा था व्हाइट, अभी देखेंगे तो क्रीम पूरा पेनिट्रेट हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी पूरा कंडीशनर कुछ समथिंग लगाया हुआ, तो व्हाइट व्हाइट नहीं दिख रहा, तो क्रीम भी जो है आपका वो पेनिट्रेट हो जाएगा, मैट हो जाएगा, मतलब आपका शाइन से मैट लुक हो जाएगा। और ये भी स्ट्रेटनिंग से भी शेड लाइट होता है, और वर्जिन वालों में भी करोगे स्ट्रेटनिंग एक शेड लाइट होगा, कलर वालों में भी लाइट होता है, कलर वालों में तो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी एक पहचान है, जैसे आप लगाओगे फर्स्ट क्रीम तो आप चेक करोगे कि आपका बाल जब लगाया था तब थोड़ा दूसरे कलर का था और मैट हो गया, और अभी आपका कल बाल थोड़ा सा ना ब्राउन दिखना स्टार्ट हो जाता है, ब्राउन शेड आ जाएगा हल्का सा ब्राउन। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट मेरा हो गया, अभी हम लोग वॉश करेंगे। तो अभी हम लोग को क्या करना है, कलर बाल है तो पहले तो अच्छे से क्रीम निकालेंगे, 5 से 10 मिनट प्लेन वाटर से, हॉट वाटर यूज नहीं करना है, और इसमें क्या लगाना है हम लोग को, मास्क लगाना है, मास्क लगाना है कलर बाल। अगर वर्जिन होते तो मैं प्लेन वाटर से रिंस करता, उसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, मास्क आप लगाओगे तो क्या होगा, वापस से क्यूटिकल्स बंद हो जाएगा। अभी हमको आईडी करके न्यूट्रलाइजर लगाना है, तो न्यूट्रलाइजर लगाने के लिए क्यूटिकल्स ओपन होने जरूरी है, नहीं तो न्यूट्रलाइजर अंदर नहीं जाएगा। तो कलर बाल है तो वो पूरा इतना क्यूटिकल्स उसका ओपन रहता ही है, तो शाइन थोड़ा अच्छा आ जाएगा। तो कलर वालों में, केमिकल वालों में मास्क लगाना है, अदरवाइज वॉश के टाइम पे वर्जिन बाल है, हीना बाल है, हीना में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि हीना ऑलरेडी कोटिंग चढ़ा हुआ है, तो आपको एक और मास्क का कोटिंग नहीं चढ़ाना है। ठीक है, तो रिंस करेंगे प्लेन वाटर से, हॉट वाटर यूज नहीं करना है, और मास्क लगाना है, मास्क लगाओ, 5 मिनट वेट करो और रिंस करके लेके आओ। शैम्पू होगा ही नहीं, सिर्फ हम लोग फर्स्ट करते हैं शैम्पू, अभी शैम्पू लास्ट तक भी शैम्पू नहीं होगा। ठीक है, शैम्पू अभी नेक्स्ट डे यूज करेंगे। ठीक, ब्लैक टॉवल ले लो। ओके, तो हम लोग के कलर बाल थे काफ़ी सारा, हमारा कलर था, हीना था और डाई भी किया हुआ था, बट उसके बाद भी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग क्रीम भी यूज़ किया, तो हम लोगों ने सारे प्रोसीजर अच्छे से फॉलो किया, हम लोगों ने वेट हेयर में काम किया, थोड़ा माइल्ड हो गया, और टाइमिंग हम लोगों ने प्रॉपर उसको किया, हम लोगों ने जो सेम टाइम चाहिए था न्यूट्रलाइजर का टाइम हमारा बराबर था। आइनिंग हीट हम लोगों ने चेक किया, आइनिंग हमारा 230 में बहुत ज़्यादा हीट आ रहा था, तो हम लोगों ने टेम्परेचर 200 डाउन किया, तो हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया कलर हेयर के अंदर भी। तो अगर कलर वाले तो उसमें भी स्मूथिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप स्मूथिंग नहीं कर सकते आपके कलर वाले, डाई वाले, बट प्रोसीजर राइट होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।